हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे एक प्रसिद्ध कवि, लेखक, संगीतकार, चित्रकार और साहित्यकार थे। उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, माता शारदा देवी थी। वह अपने माता पिता की 13 जीवित संतानों में से सबसे छोटी संतान थे। जब वे बच्चे थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया और पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ज़्यादातर यात्रा पर रहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण नौकर चाकरों ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर एक आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक फिलोसफर और पोइट थे, यानी कि दार्शनिक और कवि थे। उनके दूसरे भाई इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, जिनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। इनके दूसरे भाई ज्योतिंद्रनाथ एक संगीतकार व नाटककार थे। उनकी बहन सवर्णा कुमारी एक उपन्यासकार थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उसके भाई हेमेंद्रनाथ ने पढ़ाई में उनकी बहुत सहायता की, यहाँ तक कि उनकी शारीरिक व्यायाम कराने, तैराकी, ट्रैकिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग, ज्योग्राफी, एनाटॉमी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आदि सभी विषयों को सिखाने में उनकी सहायता की। उनका सबसे कम फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था। बचपन में ही उन्हें कविता और कहानी लिखने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपनी पहली कहानी 8 साल की उम्र में लिखी थी। 1877 ईस्वी में 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। 1883 ईस्वी में उनकी शादी मृणालिनी देवी से हुई। उनकी 5 संतानें थीं, जिनमें से 2 की बाल्यावस्था में ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 1902 से 1907 का जो टाइम पीरियड था वह रविंद्रनाथ टैगोर के लिए बड़ा दुखदायक रहा। इसके दौरान उसने अपने कुछ चहेतों को खो दिया। पहले 1902 ईस्वी में उनकी पत्नी मृणालिनी देवी की मृत्यु हुई। फिर अगले वर्ष 1903 ईस्वी में उनकी छोटी पुत्री की मृत्यु हुई। फिर 1905 ईस्वी में उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई। फिर 2 साल बाद 1907 ईस्वी में उनके छोटे पुत्र की मृत्यु हुई। इस काल के दौरान भी वे अपने साहित्य, लेखन आदि कामों में व्यस्त रहे और एक उपन्यासकार बन गए। 1903 ईस्वी में उन्होंने अपना उपन्यास चोकरबाली और 1906 ईस्वी में उन्होंने गोरा नामक उपन्यास लिखा। फिर 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। दोस्तों, साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिनमें उनकी रचना न हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, शिल्पकला आदि सभी विधाओं में उन्होंने रचना की है। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, कथा ओ कहानी, शिशु, भोलानाथ, कणिका, अक्षणिका, चाखेरवाली, खिया, चित्रंगदा आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैल गई थी। 1908 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को पावना में हुई प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम एकता, ग्रामीण विकास, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस किया। 1911 ईस्वी में उन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत जन गण मन लिखा। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा में इसे भारत का राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। आपको बता दें, वे अकेले ऐसे कवि हैं
जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। उसके बाद 13 नवंबर 1913 ईस्वी में उन्हें साहित्यिक नोबेल अवार्ड्स मिला। यह अवार्ड्स उन्होंने उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए दिया गया। गीतांजलि 103 कविताओं का संग्रह है। दोस्तों, वे पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कोलकाता यूनिवर्सिटी ने उनको डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। 3 जून 1915 ईस्वी में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। आपको बता दें, यह पदवी मिलने पर नाम के आगे सर लगाया जाता है। बाद में 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्हें यह उपाधि वापस लौटा दी। सन 1915 ईस्वी में टैगोर महात्मा गांधी जी से मिले। रविंद्रनाथ टैगोर व महात्मा गांधी जी के बीच राष्ट्रीयता व मानवता को लेकर वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। सन 1921 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की, जिनमें प्रमुख है यूरोप, इंग्लैंड, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी आदि। देश विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि का एनालिसिस किया। जीवन के अंतिम वर्षों में रविंद्रनाथ टैगोर बीमार रहने लगे। फिर 7 अगस्त 1941 ईस्वी में कोलकाता में ही इनका देहांत हो गया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लग गई। उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज और म्यूजियम बनाए गए। टोटल 8 म्यूजियम बनाए गए हैं, जिनमें 3 भारत में और 5 बांग्लादेश में हैं। दोस्तों, ये था रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।